ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं मोचा डार्क ब्लॉन्ड में और एक कूल कलर में ओम्ब्रे बालियाज हाइलाइट्स। तो आज का कलर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, हमने कलर लिया है 6.8 और 7.23 जो कि लॉरियल फैमिली से है, और 7.23 जो है वो है कूल फैमिली से जो कि गोल्डन एंड्रेंस ब्लॉन्ड के फैमिली में आता है, और 6.8 जैसे कि आप लोगों को पता है मोचा डार्क ब्लॉन्ड के फैमिली में आता है, जैसे कि चॉकलेट टाइप्स के कलर में। तो आज का कलर काफ़ी अमेजिंग आएगा और काफ़ी बेहतरीन सा रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रीलाइटनिंग निकाल रहे हैं। प्रीलाइटनिंग क्यों निकाल रहे हैं, किस हेयर के लिए निकाल रहे हैं, तो आगे आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। तो चलिए, जब तक हम लोग प्रीलाइटनिंग के लिए हमारा ब्लॉन्डर निकाल रहे हैं, तब तक आप लोग फटाफट से लाइक कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए फटाफट लाइक कर लीजिए, मुझे पता है कि आप लोग के लाइक के बिना वीडियो अधूरा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा। तो हमने लिया है 30 वॉल्यूम डेवलपर और प्री लाइटनिंग इसलिए लिया है क्योंकि पहले हम लोग ओम्ब्रे बालियाज के लिए एक हाईलाइटिंग करेंगे, और किस तरह करना है, फ्री हैंड से, यानी कि एक नया टेक्निक, जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोग ने देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा तो आज का हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देख लेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने बेसिक 4 सेक्शंस निकाले हैं, और हमने देखिए हमारा कलरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें कोई आप लोग को फॉइल पेपर यूज़ नहीं करना है और ना ही कोई अलग से टेक्निक। आप लोग देख सकते हो कि इसे मैं किस तरह लगा रहा हूँ। ब्रशिंग करना है आप लोग को, जैसे हम लोग बुक में ड्राइंग करते समय ब्रश करते हैं, उसी तरह आप लोग को ब्रशिंग करना है। सेक्शंस एक निकालना है, कलर करना है, दूसरा सेक्शंस छोड़ देना है आप लोग को, उसमें कलर नहीं लगाना। देन उसके बाद में फिर से सेक्शंस लेना, यानी कि अल्टरनेट तरीके से एक सेक्शन करना है, दूसरा सेक्शन छोड़ना है, फिर दूसरा सेक्शन लेना है, और ब्रश से आप लोग को किस तरह, देखिए बॉटम में आप लोग को प्रॉपर तरीके से लगाना है, और उसके बाद में ऊपर की तरफ वी टाइप में शेप आए उस तरह आप लोग को ब्रशिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस पतले पतले लेते हुए एक सेक्शन छोड़ना है और दूसरे सेक्शन पे आप लोग को हैंड फ्री ब्रशिंग करना है। आप लोग अपने दूसरे हैंड पर लेकर उसे अच्छी तरीके से, जो बॉटम में है उसमें कलर लगना चाहिए, कलर आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है ताकि कलर अच्छी तरीके से लग पाए। तो अब हम आ गए हैं ईयर टू ईयर वाले सेक्शंस पे, और यहाँ पर भी देखिए हमने एक सेक्शन छोड़ा और दूसरा सेक्शंस लिया, और उस सेक्शंस पे हम लोग करेंगे। हम लोग जो सेक्शन छोड़ रहे हैं उसका क्या करना है वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि मैं किस टेक्निक से हैंड पर लेते हुए आप लोग यूज़ करना है कलर, और याद रहे कि आप लोग को ये कलर करते समय हैंड ग्लव्स पहनना है, क्योंकि अगर आप लोग हैंड ग्लव यूज़ नहीं करोगे तो आपके हैंड में वो प्रीलाइटनिंग वाला ब्लॉन्डर कलर लग सकता है, और प्रीलाइटनिंग ब्लॉन्डर जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड केमिकल होता है तो आपके स्किन पर प्रॉब्लम दे सकता है। तो ध्यान दीजिए कि आप लोगों को ग्लव्स अच्छी तरीके से पहनना है, और ग्लव्स पहनना अच्छी क्वालिटी का, ये नहीं कि कोई भी क्वालिटी का, क्योंकि अगर केमिकल उसका ट्रांसप्लांट कर गया तो आप लोग को फिर हैंड पर ग्लव्स पहन के कोई फ़ायदा नहीं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सेक्शंस जो छोड़े थे उस सेक्शंस को हम लोग अच्छी तरीके से राउंड कर लेंगे, क्लिपिंग कर लेंगे, और उसके बाद में खाली उसमें बॉटम में हम उसको कलर लगा देंगे। तो देख सकते हो आप लोग कि मैं उसको बॉटम में कलर लगा दिया, ऊपर की तरफ कलर नहीं लगाए, क्योंकि हमें इंड्स में ही बेहतरीन सा एक शेडो चाहिए, और आप लोग देखोगे कि एकदम मर्ज होते हुए कलर आया होगा और काफ़ी अमेजिंग सा कलर आएगा। तो देखिए अब हम आ गए दूसरे सेक्शन पे, और यहाँ पर भी इसी तरह करना है, एक सेक्शन छोड़ना है और दूसरे सेक्शन में आप लोगों को कलर लगाना है, यानी कि अल्टरनेट कलर लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कमेंट्स के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो भी जिस भी सिटी से है उस सिटी से आप लोग मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो वीडियो है वो कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग गुजरात से देख रहे हो तो गुजरात लिखिए, अगर आप लोग मुंबई से देख रहे हो तो मुंबई लिखिए, अगर आप लोग तमिलनाडु से देख रहे हो तो तमिलनाडु लिखिए, मतलब जो भी जो सिटी से इस वीडियो को देख रहा है उस वीडियो का सिटी अपना नाम लिखे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कौन से सिटी से हैं। तो खाली बस आप अपना सिटी का नाम लिख सकते हो, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हो, किस किस शहर से आप लोग का कमेंट्स आ रहा है। तो कमेंट्स में ज़रूर आप लोग अपने शहर का नाम लिखना। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखिए सेक्शनिंग निकालते हुए कलर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रॉपर तरीके से देख पाओगे कि देखिए मैं वी टाइप में सेक्शंस निकाल रहा हूँ, यानी कि सेक्शंस हमारा स्ट्रेट ही है, बट जो कलर का हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं वो वी टाइप में कर रहे हैं, बॉटम में एकदम पूरी तरीके से कर रहे हैं, और साइड में देख सकते हो आप लोग वी टाइप का सेक्शंस निकालते हुए मैं प्रॉपर तरीके से हाईलाइटिंग कर रहा हूँ। इससे आप लोग ओम्ब्रे बालियाज हाइलाइट्स बोल सकते हो। इसमें बॉटम में कलर अच्छा खासा रहता है, और हमारा जो ऊपर की तरफ वो डार्क वाला सेक्शन जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ आते आते एकदम
डार्क में मर्ज होता है, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट आता है। जिसको ज़्यादा टाइप्स का, ज़्यादा हार्ड कलर या फिर ज़्यादा कैरी करने वाला कलर नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये कलर सबसे बेस्ट है। आप लोग ये कलर बिन झिझक करिए। तो दोस्तों, अभी तो हमने फिलहाल प्री लाइटनिंग कर लिया है। प्री लाइटनिंग के बाद में हमें क्या करना है, किस तरह हमें कलर डिपॉजिट करना है, कैसे कलर मिक्स करना है, तो पूरा इसको देखिए। ये वीडियो पूरा डिटेल में है, लास्ट तक देखना प्रॉपर तरीके से, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमें कलर मिक्सिंग किस तरह किया जाता है। तो ब्रशिंग तो हमने कर लिया है दोस्तों। मेरा इंस्टाग्राम भी आईडी है, आप लोगों को पता होगा, हेयर स्टाइलिश रोहित, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कलर से रिलेटेड कोई डाउट रहा तो आप लोग वहां पर भी मुझे जाके फॉलो करके और मुझे पूछ सकते हो, जिससे कि आप लोग का जो भी डाउट है वो डाउट मैं क्लियर कर सकूं। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स करना नहीं भूलना कि आप लोग किस शहर से हो, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कौन कौन से शहर से आप लोग देख रहे हो। तो चलिए, स्टेप बाय स्टेप हमने हमारा पूरा हाइलाइटनिंग कर लिया है। फ्री हैंड से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ओम्ब्रे बालियाज हाइलाइटिंग कर लिया है। अब इस हाइलाइटिंग को हम लोग रखेंगे 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमें जो कलर, जो हमें जितना डिजर्व शेड चाहिए वो डिजर्व शेड हो जाए, उसके बाद में आप लोग को इसे वॉश करना है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा कलर कंप्लीट करने के बाद में हमने इसे छोड़ दिया है, और अब हम इसे चेक करेंगे कि हमें जितना डिजायर शेड चाहिए था उतना आ गया है या नहीं। तो देख सकते हो, हमें ज़्यादा डार्क में या फिर ज़्यादा लाइट में कलर नहीं चाहिए था, हमें एक नॉर्मल बेसिक मीडियम लेंथ पर जो हमारा शेड चाहिए, चॉकलेट शेड, उस शेड में हमारा हाइलाइट्स हो चुका है। तो अब हम इसे कर देंगे वॉश। तो पहले हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरा चेक कर ले रहे हैं कलर को हटा के, और आप लोग भी देख सकते हो कि हमें कौन सा डिजायर शेड मिल चुका है, जिसपे हम लोग चॉकलेट वाला 6.8 मोचा डार्क ब्लॉन्ड और हमारा 7.2 की कूल कलर जो यूज़ करने वाले हैं। 7.23 वाला भी बहुत ही बेस्ट कलर है। इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो एक अमेजिंग सा रिजल्ट आएगा। तो देखिए, अब हमने इसे वॉश करना स्टार्ट कर दिया है। वॉश करने के बाद आप लोग को इसमें पर्पल शैम्पू यूज़ करना है, जो कि येल्लो कटर है, येल्लो को कट कर देता है। तो देखिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ शोस्कोफ का, आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ये है, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। उस पर लिखा हुआ है गुड बाय येल्लो, यानी कि ये येल्लो को कट कर देता है, जिसके वजह से जब हम कलर को डिपॉजिट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सा कलर आएगा। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को पीछे लेकर उसका स्क्रीन शॉट निकाल सकते हो, जिससे कि आप लोग ये पर्पल शैम्पू मंगा सको। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको लॉरियल का ही पर्पल शैम्पू लेना है, आप कोई भी कंपनी का पर्पल शैम्पू ले सकते हो। तो अभी तो फिलहाल मैंने शोस्कोफ का पर्पल शैम्पू आप लोगों को दिखाया। तो देखिए, हमने वॉश करने के बाद में इसे अच्छी तरीके से टॉवल ड्राई कर लिया, टॉवल से पोंछ लिया, टेंगल फ्री कर लिया जो हमने हाईलाइट किया था। अब हम इसमें करेंगे कलर डिपॉजिट। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इस वीडियो को अब देखना डिटेल में, क्योंकि अब हम कलर मिक्सिंग करने वाले हैं, और कलर मिक्सिंग करते समय थोड़ा भी आप लोग को चूक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कलर प्रॉपर नहीं आएगा। तो देख सकते हो, 6.8 और 7.23, तो काफ़ी बेहतरीन दोनों को मिक्सिंग करेंगे और अमेजिंग सा लुक आएगा। और इसका प्राइसिंग देख सकते हो, 350 के आसपास एक ट्यूब मिलता है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, हमने वेट के लिए एक वेट वो मशीन ले लिया है, बट इस मशीन में आई थिंक आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो मशीन पे ध्यान मत देना, मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वो देखना। तो देखिए, हमने क्रीम निकाला है कुछ 5 ग्राम के हिसाब से, और देन उसके बाद में हमें जो 6.8 वाला कलर लेना है वो हम लेंगे 15 ग्राम, और इन दोनों को मिक्स करेंगे, यानी कि 20 ग्राम हो जाएगा टोटल। और इसमें हम लोग 1:1, यानी कि जितना हमने क्रीम लिया है उसका 1.5 गुना हम इसमें डेवलपर मिक्स करेंगे। तो दोनों को हमने निकाल लिया है, 5 ग्राम 7.23 और 15 ग्राम हमने निकाला है 6.8। तो वेट मशीन पे देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं रहा है, वजन कम ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मशीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, जिसकी वजह से उस पर प्रॉपर नहीं दिखा रहा, बट मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ तो मुझे परफेक्ट अंदाज़ा है कि कलर कितना निकालना है और उसका 1.5 गुना डेवलपर कितना मिक्स करना है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर हमने 20 वॉल्यूम मिक्स किया है। जब भी आप लोग कलर डिपॉजिट करो, आप लोग को 20 वॉल्यूम से ही कलर डिपॉजिट करना है। तो हमने 1.5 गुना कलर डिपॉजिट के लिए डेवलपर ले लिया है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लॉरियल का ही क्रीम लिया है तो आप लोग को लॉरियल का ही डेवलपर लेना पड़ेगा। आप लोग स्ट्रिक्स का भी डेवलपर यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग का कमेंट्स आता है कि सर, आपने स्ट्रिक्स का डेवलपर यूज़ किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डेवलपर आप लोग स्ट्रिक्स का यूज़ सकते हो, आप लोग को रिजल्ट उतना ही बेहतरीन आएगा। तो देखिए, अब हमने स्टार्ट कर दिया है पतले पतले सेक्शंस लेते हुए, जो भी हमने कलर किया था उस पर हम लोग कलर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिए हैं प्री लाइटनिंग वाले हेयर्स पर। और अब हम इस पर पूरा प्रॉपर तरीके से सेक्शन बाय सेक्शंस अच्छी तरीके से कलर डिपॉजिट करते जाएंगे, और मल्सीफाई आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना है। और हाँ, टॉवल ड्राई करने के बाद में आप लोग को ब्लो ड्राई से ड्राई बिल्कुल नहीं करना है, थोड़े से गीले बाल रहेंगे तो भी चलेगा, आप लोग का कलर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कलर डिपॉजिट हो जाता है।
6.8 और 7.23, बहुत ही बेहतरीन सा कलर है और बहुत जल्दी कलर डिपॉजिट हो जाता है ये। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम पतले पतले सेक्शंस पे अच्छी तरीके से क्रीम लगाते जा रहे हैं। तब तक आप लोग चाहो तो कमेंट्स कर सकते हो आप लोग के शहर का नाम। तो दोस्तों ध्यान देना, आप लोग अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट्स करना, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हो। और दोस्तों हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने वाला है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो देखिए हम लोग ने प्रॉपर तरीके से कलर को डिपॉजिट कर दिया, और आप लोग देख सकते हो 15 मिनट हमने खाली वेट किया और 15 मिनट में हमें जो भी हमारा डिज़ायर शेड चाहिए था हमें मिल चुका है, मोचा डार्क ब्लॉन्ड में और एक कूल कलर में। तो अब हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप लोग कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद में आप लोग को अच्छी तरीके से टॉवल ड्राई कर लेना है, उसके बाद टैंगल फ्री कर लेना है। अब हम इसे करेंगे ब्लो ड्राई, अच्छी तरीके से ब्लो ड्राई करके स्टाइलिंग भी करेंगे, और फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा आप लोगों को कितना बेहतरीन सा आया है। तो चलिए पहले हम लोग इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर लेते हैं। ड्राई भी आप लोग को किसी भी तरह नहीं करना है, ऊपर से नीचे की तरह ब्लो ड्राई करते हुए ड्राई करना है, क्योंकि हमें इसे अभी स्टाइलिंग भी देना है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा कलर अभी फ़िलहाल आ चुका है, आप लोग देखिए, बट अभी हम इसे करेंगे स्टाइलिंग। और स्टाइलिंग करने के बाद आप लोग देखोगे कि कितना बेहतरीन सा कलर आया। तो देखिए हम इसमें स्टाइलिंग कर चुके हैं, और हम इसमें लगा रहे हैं स्ट्रिक्स का सीरम, जो कि है एक थोड़ा सा शाइन देगा। और आप लोग देख सकते हो कि बॉटम में कितना बेहतरीन सा कलर आया है। आई थिंक आप लोग को ये कलर काफ़ी पसंद आया होगा तो दोस्तों शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और इसी तरह आप लोग के लिए मैं नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।